ओपी जयशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ की एक सीरीज जिसका नाम है इंडियन सुपर वुमन। और इस सीरीज में इंडियन फीमेल एथलीट्स जिन्होंने कंट्री के लिए अच्छा किया है उन पे एक हम सीरीज चला रहे हैं और उस पे एक एक करके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हमारे रीडर्स को बताइए कि आपका रनिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ। मैं तो बचपन में स्पोर्ट्स नहीं किया था, जूनियर ऐसा कोई कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेशन नहीं किया था। मैं सीनियर में होने के बाद ही मीन्स मेरा डिग्री फर्स्ट ईयर में मैं स्पोर्ट्स शुरू किया। और मैं केरला का हूँ, मैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग पैदा हुआ था। और मैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट मीन्स उसी का डिस्ट्रिक्ट ऐसा था 2000 एल्टीट्यूड के ऊपर ही मेरा बर्थ था, इसलिए शायद मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर बन गया। जी बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था कि जो आपकी पहली रेस थी जिसमें आपने एक नेशनल स्कूल चैंपियन को हराया था 800 मीटर रेस में। हाँ जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बार उसके बारे में बताइए। ओ ऐसा था क्योंकि मैं तो बहुत पुअर बैकग्राउंड से, मेरा फैमिली में मेरे कुछ 3 सिस्टर है, मेरे बड़ी है, हम लोग 4 मेंबर है, 4 लड़की है। और ऊपर से मेरा पापा तो बहुत मेरा बचपन से 5 साल, मेरे को 5 साल था उसी टाइम ही मेरा पापा बस का एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा ही बेड में लेटा था, कोई काम नहीं कर सकता था। और मेरा मम्मी हमारे लिए सब कुछ किया था, उस ऊपर से हम गाय का दूध ऐसा बेच के हमारा लाइफ ऐसा ही चल रहा था। बट उसी दिन ऐसा था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पंचायत मीन्स एक छोटा सा कॉम्पिटिशन, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं था, बट हमारा तो हमारे लिए उधर में एक विलेज टाइप कंपटीशन था, उसी में मेरे को बुलाया मीन्स उधर में कंपटीशन चल रहे हैं, मुझे पता था। तो मम्मी को मैं पूछा, मम्मी मैं चली जाऊं? और उसको मैं 4-5 बार पूछा, और मेरे को बोला ना तुम मत जाओ, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर है उधर से, पैदल चल के जा रहे हैं फॉरेस्ट से। उसी मैं वो बहुत छोटी था, अभी भी मेरा हाइट बहुत छोटा है, तो 15-16 साल में बहुत छोटी थी। तो मेरे को बोला तुम, बहुत बार पूछा, तो मैं सोचा यार मम्मी इसलिए बोल रहे क्योंकि गाय को खेती में देना है और उसको खिलाना है पिलाना है, इसके चक्कर में मेरे को मैं गया तो उसी का काम बिगड़ जाएगा, इसलिए शायद मेरे को मम्मी बोल रहे नहीं जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट जाके गाय को बांधा, ये सब कुछ करने के बाद मम्मी को पूछा मम्मी मैं जाऊँ? और फिर भी बोला तुम्हारा मर्जी करो। बट उसी दिन मैं मेरा मर्जी किया था, मैं उधर से चला गया, मैं मम्मी से ऐसा कभी भी नहीं जाता था मर्जी में, बट उसी दिन मैं मर्जी में गया था। उधर मैं एक ऐसा ही जूता भी नहीं, शू भी नहीं, चप्पल भी नहीं था, मैं ऐसा ही बैठा था। और उधर मैं एक ना उसी टाइम स्कूल नेशनल्स का चैंपियन था इंदिरा बोल के एक लड़की, और वो लड़की उधर में मेरा गाँव उसी उधर में स्कूल में पढ़ता थी, मैं दूसरा स्कूल में था, उस दूसरा स्कूल में था, बट वो लड़की अच्छी थी और लड़की उधर में पढ़ रही थी, उसी के साथ में 800 मीटर रोड में, हमको इधर में ट्रैक कोई फैसिलिटीज नहीं था, रोड में कर रहा था, रोड में किया। और 800 मीटर में कम से कम मैं 100 मीटर लीड में आया उसी, अभी पता चल रहा है 100 मीटर लीड है, क्योंकि मेरे को तो स्टार्ट हो गया, मुझे नहीं मालूम है फिनिश करना है, इतना ही था मेरा। वो कौन है, वो लड़की कौन है, मेरे को वो लड़की कौन है भी नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स का बारे में वो लड़की कौन है क्या है कुछ भी नहीं मालूम था। मैं अपना रेस भागा, बहुत खुश हो गया। फिर उधर में ही एक सार था, वो सारी फिर बोला ठीक है कोई नहीं, तुम अच्छा ट्रेनिंग, तुम अच्छा भागा, तुमको मैं कोई भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगी। इसी टाइम प्लस 2 कदम होके बैठा था, ऐसा ही मेरे को सबसे केरला का सबसे बेस्ट कॉलेज है चंगनाचेरी असम्पशन कॉलेज, एमजी यूनिवर्सिटी में, सी कॉलेज में विदाउट एनी सर्टिफिकेट है। उधर में सब लोग जूनियर नेशनल, सीनियर, जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल में गोल्ड आ गया, ऐसा ही बच्चा लोगों को एडमिशन मिलता है कॉलेज में विदाउट एनी सर्टिफिकेट में, मेरे को उधर में एडमिशन दिलवाया। ओपी, और हमने जैसे देखा ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बहुत आसान नहीं होता है, और इसके लिए बचपन में ही कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ डेली रूटीन होता है जिससे बचपन में ही स्टेमिना बिल्ड होता है, जिससे आगे फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आपके बचपन में ऐसा क्या था कि आपको लगता है आपके बॉडी में वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला स्टेमिना बिल्ड हुआ? एक तो मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेज था, मेरा डिस्ट्रिक्ट की 1800 टू 2200 का हाइट में ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट मीन्स ऐसा है, बहुत अच्छा एरिया है, हाई एल्टीट्यूड में मेरा जब बर्थ तो उधर हो गया। और ऊपर से मेरे को वो था, मेरा काम सुबह उठेगा, सबसे फर्स्ट में उठेगा तो मैं कम से कम गाय का दूध लिया, मम्मी निकाल के दे देगा, और लेके मेरे को 1.5 किलोमीटर दूर है,
जाके मिल्क सोसाइटी में देना पड़ता है, उधर से फिर वापस आएगा, फिर उतना दूर फिर मेरे को क्या करो स्कूल जाना है, उधर से फिर वापस आएगा, उधर स्कूल जाएगा, उसके बाद में लंच के लिए मैं वापस आ जाती हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को स्कूल से वापस आ जाती हूँ, फिर मैं उधर से दूध लेके वो मिल्क सोसाइटी में, कम से कम मैं उसी टाइम ही में, वो भी अप डाउन नहीं, नॉर्मल हम अभी देखेंगे तो इतना बड़ा हिल में चढ़ा एक पूछता था, बट उसी टाइम मेरे को पता नहीं चलता था ये हिल था, हम इतना कम से कम 10 किलोमीटर तक डेली हम वॉकिंग करते थे, इसी में कोई जुड़ नहीं है, लोग बोलते हैं मैं 20 किलोमीटर भागता, बट ये था क्योंकि दूध बेचने के लिए जाना भी था और वापस भी आना था, स्कूल जाना था, लंच के लिए आना था, लंच के बाद वापस जाना था, और उसके बाद इवनिंग का प्रैक्टिस का इवनिंग का स्कूल के बाद वापस आना था, फिर दूध लेके उसी जगह में जाना था, वापस आना, कम से कम मेरा एक दिन 10 किलोमीटर जाता था इतना हाइट में, ये आल्टीट्यूड में मैं सामान लेके कम से कम 6 लीटर 5 लीटर दूध लेके जा रहे डेली आ रहे, ये तो मेरा स्टैमिना होता, बहुत भी बिना चप्पल में, चप्पल कभी कभी नहीं होता है, इसी में गया रियल में हमारा हम स्ट्रॉन्ग था ऑटोमेटिक, अभी भी हमारे बॉडी ऐसा था हम लोग के लिए थोड़ा वर्कआउट में ही हम जल्दी फिट हो जाते हैं जी। तो जब आपने 2015 बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब आपने 18-19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, तो आपके शहर में आपको कैसा रिस्पांस मिला, आपके घर वालों का, दोस्तों का कैसा फीडबैक था? मेरा ऐसा नहीं था, मैं 2006 में मेरे को एशियन गेम्स में मेडल मिला, मेरे लिए इतना मेरा डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा से ऐसा बोलता था सब, इतना पहले एक बार इंदिरा गांधी आया था उसी टाइम इतना अच्छा से फंक्शन कराया, उसके बाद 2006 में इतना अच्छा मीन्स सोच भी नहीं सका ऐसा, मीन्स कोई भी हर पॉलिटिशियन लोग है उसी में इतना अच्छा से करके और पूरा गाँव में डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही किया था, बट 2015 में मेरे को उसी में नेशनल गेम्स में मेडल मिला था, 2 गोल्ड मेडल केरला में था, तो पूरा लोग सेलिब्रेट किया जी। और ओपी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीरीज हम टाइम्स नेटवर्क इंडियन सुपर वुमन को डेडिकेट कर रहा है, तो आई एम श्योर आपके भी लाइफ में जैसे हर एथलीट के कुछ इंस्पिरेशन होते हैं जो उनको, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, जो उनसे मोटिवेट होते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इंडियन सुपर वुमेन कौन सी हैं, खेल से रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड, जिनको आप बोलेंगी कि ये मेरी लाइफ की इंडियन सुपर वुमेन है? मेरे को तो हर एथलीट को और हर स्पोर्ट्समैन को मैं पसंद करता हूं, मेरे को एक्स्पेशली मैं ये एथलीट अच्छा है ऐसा नहीं, बट हम सब बहुत पसंद करते हैं पीटी उषा दीदी को, क्योंकि वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो पता नहीं कितना भी हमारे में आपस में क्या है कुछ भी वाला नहीं, बट वो हमेशा मेरा हीरोइन है, क्योंकि वो ग्रेट है, उसी के आगे अभी तक कोई आया नहीं। आखिरी सवाल की, अब आप एक कोच भी हैं, तो कोच के नजरिए से आप ऐसी कई लड़कियां हैं जो आपकी तरह एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनना चाहती होंगी, इंडिया हमारे देश के कोने कोने में से आपसे इंस्पायर होती होंगी, वो शायद वो कदम उठाने में कुछ हिचकिचाती होंगी क्योंकि दिक्कतें आती हैं, उनको आपका मैसेज क्या होगा? मैं एथलीट को बोलती हूँ क्योंकि मेरा इतना, अगर मैं ओलंपिक तक पहुंच गया तो, क्योंकि प्रॉपर मेरे के लिए खाना भी नहीं मिला था, मेरा घर में इतना गरीब था, हम लोग गाय का दूध बेच के, उतना भी गाय नहीं एक गाय था, हम 6 नंबर को पेट पूरा भरने के लिए हमारे घर में एक ही गाय था, 2-3-4 गाय था, उसी का दूध बेच के अगर उसी पासा में अगर हम चारों को मम्मी पापा पढ़ाई करा के हमको इसी जगह में पहुंचाया, अगर मैं इधर पहुंचा तो तुम लोग ओलंपिक्स मेडल भी ले सकता है, क्योंकि आजकल हर जगह में फैसिलिटीज है, हर कोई भी हेल्प करने के लिए तैयारी होके बैठा है इसी जगह में सब लोगों को, क्योंकि मेरे को एक जूता भी नहीं था भागने के लिए, इसी जगह में अगर मैं पहुंच गया, ओलंपियन होके इधर में पहुंच गया, तो कोई भी ओलंपिक्स मेडल जीत सकता है। जी ओपी, आप हमारे लिए एक इंडियन सुपर वुमन है और आपकी जर्नी उन तमाम युवा लड़कियों को प्रेरणा देंगी जो कि ट्रैक एंड फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। अब आप एक कोच हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके स्टूडेंट्स आगे जाके आप ही की तरह एक अच्छे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने और देश के लिए मेडल्स लाते रहें। आपके समय के लिए धन्यवाद ओपी। थैंक यू। थैंक यू।